आज अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई स्टार्स सबसे ज्यादा फीस वसूलते हैं। इनकी कमाई करोड़ों में है। यही नहीं, ये फिल्म की कमाई में अपना परसेंट भी लेते हैं। हालांकि 90 के दशक में भी ये सितारे अच्छी फीस वसूलते थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस 90 के दशक में सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाले एक्टर का नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बात करें सुनील शेट्टी यानी बॉलीवुड के अन्ना, 90 के दशक में एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मोहरा, भाई, रक्षक, बॉर्डर, दिलवाले सहित कई फिल्मों में काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में उनकी फीस लगभग 20 लाख हुआ करती थी। और बात करें सलमान खान की तो सलमान खान का आज अपना प्रोडक्शन हाउस है। साल में एक से दो फिल्मों में नजर आने वाले भाईजान 1990 से 1999 के दौर तक एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए फीस के रूप में लेते थे। और फिर बात करें अजय देवगन की तो अजय देवगन ने दिलजले, जान, जिगर, जंग, विजयपथ, हम दिल दे चुके सनम, इतिहास और कच्चे धागे जैसी कई फिल्मों में काम किया है। 90 से 1999 तक वह एक फिल्म के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करते थे। और फिर बात करें किंग खान यानी शाहरुख खान की तो शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत इसी दौर में की। 90 के दशक में उन्होंने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उस दौर की हर दूसरी फिल्म में शाहरुख राहुल का किरदार निभाते नजर आते थे। 90 के दशक में वह एक फिल्म के लिए करीब 30 लाख फीस के तौर पर लेते थे। और फिर बात करें आमिर खान की। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाले एक्टर आमिर खान ने हमेशा अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया है। 90 के दशक में भी उनकी फिल्में खूब कमाई की। रिपोर्ट सकी माने तो वह 30 से 35 लाख रुपए चार्ज करते थे। और फिर बात करें अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार भले ही आज कॉमेडी और सीरियस फिल्में कर रहे हों, लेकिन बॉलीवुड में उनकी एंट्री एक एक्शन हीरो के रूप में हुई थी। उनकी एक्शन फिल्में 90 के दशक में खूब कमाई करती थी। शुरुआती दौर में तो वह कुछ कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन फिर जब फिल्में चली तो उन्होंने बैक टू बैक हिट। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय उस वक्त तीनों खानों से ज्यादा फीस वसूलते थे। उनकी फीस करीब 30 से 40 लाख रुपए थी। इसके बाद बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार थे। उनके शानदार डांस, एक्शन और कॉमेडी के ओवरडोज ने उन्हें हीरो नंबर एक बना दिया था। साल 1986 में उनकी पहली फिल्म इल्जाम रिलीज हुई। फिल्म लव 86 से जो उन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हुई तो 90 का दशक आते आते वो इंडस्ट्री में छा गए। उन्होंने हीरो नंबर वन, राजा बाबू जैसी कई फिल्में की। उस दौर में वह सबसे ज्यादा फिल्म करने वाले एक्टर बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 60 लाख रुपए एक फिल्म का चार्ज करते थे। और फिर बात करें संजय दत्त की। बाबा के नाम से 90 के दशक में घर घर में पहचान बनाने वाले संजय दत्त ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया है। ये दौर उनका था। फिल्म में लीड रोल हो या निगेटिव, हर रोल में संजय ने दमदार प्रदर्शन किया। उनकी फिल्मों की बात करें तो 90 के दशक में संजय दत्त सड़क, साजन, नाम, खलनायक, वास्तव, द रियलिटी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में वह 80 लाख रुपए चार्ज करते थे। और अंतिम में बात करें तो सन्नी देओल वो नाम है जो 90 से 1999 के दौर में सबसे ज्यादा फीस लिया करते थे। 90 के दशक में सबसे चर्चित एक्टर थे। उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में सुबह से रात तक लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। रिपोर्ट्स की माने तो सन्नी देओल 90 के दशक में सभी एक्टर से ज्यादा फीस वसूलते थे। सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर के लिए 90 लाख रुपए फीस चार्ज किए थे।